जी भैया, हाँ तो जी, आपका ये जो कार्य है वीर्य पीने का, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भड़वे ये बता, हाँ जी भैया, और बता सुन, दीपा कलार बहन के बोबड़े तेरी तेरी मारी मार बता। कि तू तेरी खाएगी रे बहन के लंड, जितना तेरी शक्ल है ना, जितनी तेरा लंड है बहन के लवड़े कुत्ते के बीच, तेरी मारी माँ की भोसड़ी छिनाल के लड़के भोसड़े पप्पू बहन के लवड़े, तो अपने बाप से वैसे घासता है बहन के लंड, तेरी मारी माँ की भोसड़ी कुत्ते थले पावा, ते तेरी माँ नु कौंडी करके यहाँ वहां बहन के लवड़े, दांत बड़े घासेगा बहन के लवड़े, कुत्ते छिनाल के चौधे भोसड़े पप्पू बहन के लवड़े, हस हो रस बहन के लवड़े, हस रहा है बहन का लवड़ा चाला, बहन का लड़ कैसे हस रहा है, जैसे गूंगी लड़ अच्छा देखी एक बात हंसती है। बता मोहित मदान, तू तेरी हाँ कौन डांस करेगा? हाँ मैं दान भी करूंगा और प्रदान भी करूंगा, मगर एक शर्त पे करूंगा भाई, अगर तू माने तो, अगर तेरे तू अगर दादा आंट गंदा मेरे बहुत मुंह बोल, में, दादा अगर गंदा तू बहुत नहीं बोल, नहीं ना नहीं नहीं देख 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 बोलने नहीं दे रहा बहन ना बोल बोल, मुझे पता है का तू बहुत गंदा इंसान है, पूरे इंस्टाग्राम में अगर सबसे गंदा कोई है ना भाई, मतलब गंदे नाली का कीड़ा, तो वो हाँ मोहित मदान है, इससे कोई भी जीत नहीं सकता है। मोहित हाँ जी भैया, मदान से कुछ कोई भी जीत नहीं सकता हाँ जी भैया, और है। भाई और मैं अभी तुम दीपक कहाँ कलार, पर हाँ मोहित, जी अभी कश्मीर में आने का कुछ प्लान है आपका मोहित भाई? भाई, जो आपने चूतिया बनाया हमारा, तेरे से ज्यादा चूतिया कोई नहीं बना सकता बहन के लंड, तूने कहा था कि मैं इस साइड आऊंगा तो जरूर आपको फोन करूंगा, तेरी मारी माँ की भोसड़ी तू बहन के लंड, अब तक नहीं आया और बड़ा चूतिया बना गया नहीं नहीं है, मैं अभी आऊंगा तो मैं आपको जरूर कॉल रहने दे करूंगा, भाई, क्योंकि अरे भाई ओ आप एक भाई ओ अच्छे भाई, यो इंसान जड़े हो। तेरे अगे हाथ, तेरे जगह जोड़े हगे हाथ बहन के, जो तू था ना तूने गांडू पंती दिखा दी, और तूने गांडू पंती कर दी, विनीत भाई से तू मिलकर चला गया, विनय भाई से तू मिलकर चला गया, सबसे तू मिलकर चला गया, और भोसड़ी हमारा चूतिया बना गया नहीं है, नहीं तुम एक अच्छे इंसान हो बाहर और तुमने हमेशा मुझे रिस्पेक्ट दिया है, मैं तुमको जरूर मिलूंगा। बीच में मैं थोड़ा आपसे नाराज था, लेकिन मैं आपको जरूर मिलूंगा, अभी इस बार मैं आऊंगा तो मैं आपको जरूर मेरे होटल में बुलाऊंगा। बट यही है कि मतलब देखो, मैं 5-स्टार होटल में रहता हूं, तो अगर तुम्हारे पास जूते नहीं है तो प्रॉब्लम हाँ नहीं जी होना भैया, चाहिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात कह रहे तो आप प्लीज वहां पे वो बाटा की चप्पल मत डाल के आना, आप वहां पे जूते वगैरह डाल के आना, क्योंकि मैं एक अमीर फैमिली से ताल्लुकात रखता हूँ, तुम एक हैं, गरीब लड़के हो, तो हाँ जी भैया, प्लीज मतलब यही बात का सवाल रखना और ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने उस हाँ दिन जी देखा लाइव में तुम्हारा कैमरा फ्लिप हो गया, तो तुम्हारे पास फटी चप्पल है, तो हाँ जी तुम भैया, प्लीज पालिका बाजार से 300-350 के जूते ले लेना, बस मैं यही आपको कहना चाहता ठीक है भैया, अब भैया मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हूँ। भैया, आपको नंबर मैं डीएम में छोड़ दूंगा, मुझे 350 रुपये मुझे पेटीएम कर देना, क्योंकि मैं एक गरीब और भिखाची लोग हूँ, और मेरे पास 350 रुपये भी मत है, तो आप मुझे 350 रुपये गूगल पे कर देना और मैं ले भाई आऊंगा, क्योंकि मैं एक फटीचर लोग हूँ, मेरे भाई पास दीपक का खाने दिल बहुत बड़ा, के लिए 350 कपड़े को मत है, साढ़े 300 तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे 50 रुपये टिप और देना, तो शायद मैं कोई फटी पुरे पुराने चप्पल छोड़ के नई चप्पल ले आऊं, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करना दीपक भैया, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि तो मैं एक बहुत बड़ा भिखाची हूँ, अब ठीक है दीपक भैया, अबे दे। सुन, तेरी सौरभ बहन भैया की तुम तो भोसड़ी, बोलो तेरी कुछ। दीपक कलाल, तेरी मारा माँ का भोसड़ा, तेरी छिनाल के लड़के बहन के लवड़े, तेरी मारी माँ की चूत, तेरी बहन के लवड़े, तू बहन के लवड़े मेरे आंड के बराबर नहीं, बहन के लवड़े पानी पी ले, कुत्ते का क्या बीज, लगी होगी तो बिसलैरी पानी, का, बिसलैरी का बिसलेरी पानी का मेरा बहन पानी के पियो, लड़े, भाई ये मैं देखो ये बिसलेरी ना वो है मोहित इंसान है भाई, जो क्यों बहन, बिसलेरी ना है, तू बाटा पार्टा का को पानी है पानी, यो भाई, भरा पानी, यो बिसलेरी कहना का कहीं था पानी, भरा पानी ना और क्या था। करते हो मैं, एक्चुअली मतलब मुझे याद नहीं है क्या करते हो वो स्केटिंग करता है, स्कीइंग का, आप, मैंने स्क्रीन की बहन थी का लोड़ा, आपको, आई एम मैं सेफ वाला था और डिस्कास्टिंग, आई एम मैं नहीं बोल डिस्कास्टिंग, रहा था, तेरी बीच में मां, था शायद वो ऊपर रिकॉर्ड में, अच्छा, हाँ, उसी में हाँ जी दीपक भैया, आप मुझे 400 रुपये पेटीएम कर देना दीपक भैया, मैं ले अरे भाई तू आऊंगा, भाई मेरे के पास बिना जूते के लिए चिंता पैसे मत मत, कर, मैं कर दूंगा, तू भाई अपनी जान है, मैं कर दूंगा तेरे को ओके जी चिंता मत कर। भैया, हाँ ठीक जी है हाँ जी ओके, चलो भैया, मैं बाय बाय, आपका बाय, वेट टेक करूंगा, केयर। ठीक है दीपक भैया, आपका मैं 400 रुपये का कब तक करोगे दीपक भैया, जैसे लाइव खत्म होगी मैं आपको 400 में मैं 1,000 एक करूंगा, तो आप अच्छे इंसान हो। दीपक भाई मीटिंग भैया, सेट होगी दीपक की, कंधे पे हाथ मार जब के गया पेटीएम भाई, कर दो जाके ना, जल्दी से कमरे में सुनो आओ। सुनो, जब हाँ पेटीएम कर बोलो, दो भाई, स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी जरूर डालना यार, हमको भी देखना यार हाँ आप देखो कि स्टोरी डाल देना, नहीं 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 दीपक भैया, एक बार ना 1,000 रुपये डाल के स्टोरी डाल देना, ठीक है,
दीपक भैया मैं ये चाहता हूँ कि आप 1000 रुपए डालो और एक गरीब को दान करो तो आप एक स्टोरी डालना, ताकि मैं 1000 रुपए अपने माथे पे भी लिखवा लूंगा 500 मुझे दीपक भाई ने दान दिए 1000 रुपए। वो कावा सुने ना, दूर गांव में बस्ती थी, इमारती दीपक गस्ती थी, जितना दो उतना हस्ती थी, क्यों देख कैसे हंसता मेरा कालड़। और तू मेरी जाल में बार बार फंसती थी। दीपक की अमीरी कई करोड़ रुपए का शीशा दीपक के पीछे दिख रहा है, एंगल लग रहा पीछे। अरे नहीं, एक्चुअली ये जो होटल जो है ना, ये पुरानी टाइप की होटल है और मुझे अच्छा लगता है ऐसे पुरानी टाइप की होटल में रहना। मतलब इसको कहते हैं रस्टिक लुक। बहुत सारे यूरोपियन इस तरह से पुरानी जगह पे रहना पसंद करते हैं। ये होटल थोड़ी पुरानी टाइप की है। देखो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए महीना इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये होटल का जो लुक जो है, व्यू, भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने इतने होटल देखे लेकिन मुझे इतना खूबसूरत व्यू नहीं मिला, और इसीलिए मैंने 1 लाख रुपए महीने से यह होटल लिया हुआ है। भाई बहुत महंगे हैं यहाँ पे कमरे। जैसे तेरी घर में किचन थी, यहाँ भी ऐसी किचन है क्या? नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं है क्योंकि भाई दीपक नहीं बैठ कल तो कहता मेरा बंगलो है ये, आज कह रहा। अरे नहीं, मतलब ये बंगलो ही, आपने देखा नहीं भाई, ये बंगलो ही है, बंगलो नहीं है। दीपक मटके साथ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने तो देखा यार, मैं बाहर लाइव कंडक्ट करता हूँ, ये बहुत खूबसूरत बंगलो है दीपक। मटका मटका कहाँ तेरा मटका? जितने भी लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि दीपक कलाल का टोरा, ये जो वीडियो है ये अभी रिलीज हो गया मार्केट में, आप लोग जाओ ये वीडियो देखो। मोहित भाई आप सबको कहो, मोहित मदान भाई, जितने मेरे व्यूवर्स हैं और जितने भाई मुझे प्यार करने वाले हैं, भाई सारे दीपक भाई को, ये सब मेरे ही भाई, तो फॉलो करो, पता मेरे को भाई, सारे इसके व्यूवर्स हैं भाई, सारे इसका दीपक लाला टोर करो। अरे ओ भाई, गंदी गाली देके वो तेरे स्टाइल में बोले, एकदम गंदी गाली देकर, एकदम मतलब वो कहते हैं ना, लौड़ो जो मेरे व्यूवर्स हो, तुम्हारी बहन की चूत, तुम्हारी बहन के लड़ो, सारे दीपक लाल का टोरा बहन की चूत, जाओ और भाई वीडियो रील बनाओ और इसकी माँ का बहुत बड़ा बहन चुप पर लिख लो, दीपक लाल का लोड़ा, ओ दीपक लाल का टोरा। क्या हुआ? मिलती है भाई, कौन सी आप ठीक है भाई? हाँ अभी अच्छा है, मतलब ये तुम्हारे स्टाइल में लगा है ना तो अच्छा ही है। दीपक अब आराम है भाई तुझे? क्या है, अब आराम है पहले से तुझे? हाँ मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसे गाली गलोच बातें मुझे पसंद है, डिसेंट बातें मुझे उतनी पसंद है, अच्छा लगता है मुझे, पता है क्या ना, फोन नेट खत्म होने वाला, 25 मिनट करिए। एक बार तो आप चूतिया बना गए भाई, और दूसरी बार तो चूते जब बनूंगा, जब बहन तुम्हारे मिलने आऊंगा, बहन के लवड़े चूते चुदाई खाने हमेशा भोसड़ी के, तो बहन के लड़ गांडू बनाता है। मोहित मदान जब मैं मिलूंगा ना, हम दोनों मिलके साथ में लाइव। दीपक क्या कर रहा दीपक? अरे तुम्हें पता है ना मोहित ने कौन से होटल में रुका था, रोजी एक्ट पता है तुमको? ना मेरे भाई, हम तो हरियाणा में रहते हैं भाई। ये जो करण उजला है ना, उसका फेवरेट होटल है वो, करण उजला उधर ही रुकता है, साहिल खान उधर ही रुकता है, ये एरोसिटी का होटल है, बहुत ही खूबसूरत होटल है, उधर रुका था। अभी अपने एक भाई है, उनका नाम है अजय डबास, तो मैं अजय डबास भाई को कॉल पे लेना चाहूंगा। एक मिनट नहीं, मैं बोल रहा है लेने के लिए, तो रेशु भाटी, हाँ भाई को ले ले एक बार, मुझे गिरा दे नीचे। नहीं रहने दो, तुम भी बैठो यहाँ पे, आ जाओ रेशु भाटी, आ जाओ। और रेशु भाटी कैसे हो? बढ़िया मेरी जान, बढ़िया। अगर अच्छी बातें करनी है तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें अगर तुम्हें करनी है तो फिर तुम नीचे ही लटका के रखोगे, और उसके बाद में शायद मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ। इसीलिए जब भी तुम लाइव पे आते हो तो कुछ बातों का तुम्हें परहेज करना जरूरी है, ठीक है? ठीक, नहीं तो क्या होगा, फिर मम्मी की कसम ये खुलेगा नहीं कभी। ठीक है, ठीक है दीपक, दीपक भाई नहीं तो अंधेरी नगरी में डाल दिए जाओगे।
अभी देखो ये जो मोहित मदान जो है ये भी कॉमेडी करता है, लेकिन ये पर्सनल चीजों की कॉमेडी नहीं करता, ये बंदा ये ऐसी सेक्सी कॉमेडी करता है, इसीलिए मैं बंदे को पसंद करता हूँ मोहित मदान। लेकिन दीपक भाई ये दिख क्यों नहीं रहा मोहित मदान भाई? ये गरीब है, इसका घर का फर्नीचर इतना अच्छा नहीं है, इसके दीवारों को नहीं है, और इसको शर्म आती है अपने गरीबी को दिखाने के लिए, और ये एक्चुअली धड़वा भी है, तो इसको डर है कि भाई अगर इन लोगों को चेहरा दिख गया और उसके बाद में फिर नो, तो ये एक धड़वा है, ये इंडिया सप्लाई करता है और इसीलिए ये अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता है। कहाँ पे हो दीपक भाई अभी? अमेरिका या कश्मीरी हो? तेरी बहन का लड़, तेरी भोसड़ी के छिनाल के लड़के बहन के लवड़े कुत्ते के बीच तेरी कोसी बहन को अपने रेंटे सप्लाई कर दी, बहन के लवड़े ठाई गिरे मादर चोद चश्मे पाऊ बहन के गांड मराओ मुंह में लोला चुसू भोसड़ी के फटो टमाटर गंदी औलाद बहन के लवड़े कोंडम की तपैस बहन देख दारू पे कैसे मूत पीते मूत पी ले मेरा बहन की लवड़ी के पानी पी रहा हंसता है बहन का लवड़ा पानी पीता है। ये दीपक भाई गाली सुन के पानी पी के नीचे कर देता उन्हें तेरी कसम कपड़े भी मार के सो के उठो बस। और इससे कपड़े पाके कौन सा सलमान खान लगने वाला है? वही लगने वाला है, कपड़े पाके क्या सलमान खान लगेगा? चूती नहीं नहीं भाई, मैं ये चाहता हूँ ना कि भाई अगर तू मेरे को देखेगा तो शायद मुठ मार लग जाए, तेरी औकात है मेरे को मुठ मारने की। क्योंकि तेरी औकात नहीं है मुझे नंगा देखने की, क्योंकि तू एक बहुत बड़ा थर की आदमी है बहन के लड़, जो किसी को भी देख के लड़ मुठ मारना चालू हो जाता है। अच्छा सुन, तूने मेरी स्टोरी लगाई दीपक कलाल का टोरा गाने की, तेरी माँ चोद दूंगा। उस दिन को मेंशन में की तो रील भी बना रखी है, मैं यही बात तो बोला था बहन चो, आज 9 दिन हो गए तो बहन के लड़े तू कोई नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो तेरे से उस पर डीएम में बात करूंगा, अभी कोई बात नहीं करो डीएम में बात करूंगा तेरे से। दो महीने की बात है वो तो भाई देखो, तो मैंने तुम्हें भेजा और मैंने तुम्हें कहा कि मेरे होटल में तुम यूरोपियन लड़की भेजो, तुमने क्या किया उज़्बेकिस्तान की भेजी और कहा कि ये यूरोपियन है, बताओ उज़्बेकिस्तान की लड़की यूरोपियन होती है? वो भी नाराज नहीं रहूंगा तुमसे, बताओ। हाँ जी हाँ जी, वो भी औकात के अनुसार गई ना, तो किसने पता भाई जब 50 साल का बुढ़ा है तो भाई क्या करती है, उसने कहती है 50 साल के बुढ़े के लिए इतने रुपए में इतना ही मिलेगा? इतने पैसे जब तुम 1.5 लाख रुपए लेते हो और तुम अगर सर्विस अच्छी नहीं देते हो तो तुम काहे को अपने आप को तुम बढ़वा क्यों कहते हो? फिर मत कहो अपने आप को बढ़वा, तुम जब बीच के दुनिया के सामने कहते हो कि हाँ भाई मैं अच्छी अच्छी रंडिया सप्लाई करता हूँ और मैं एक रेप्यूटेड भड़वा हूँ, जब तुम अपने आप को कहते हो रेप्यूटेड भड़वा तो तुम वो प्रूव नहीं कर रहे हो ना, बताओ अच्छी बात है ये? अच्छी बात है बताओ। नहीं 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 बिल्कुल सही बात है। अगर भैया मैं आपको एक अच्छी सी और एक जो रशियन लड़की भेजूंगा तो मैं भड़वा ठीक रहूंगा? तेरी मारी माँ की भोसड़ी, तेरी गंडवे चिनाल की बहन के लौड़े, तूने जिंदगी में लड़की देखी माँ के लड़, तू भोसड़ी के बहन के लौड़े, जीपी रोड की गस्ती से भी गंदा है बहन के लौड़े। दीपक भाई एक बात बता, सही से बताइयो। नहीं भाई लड़की देखी है, सुन सौरभ भाई लड़की कभी लंदन के अलावा दीपक कलाल का जो दीपक भाई का जो गाना है उसमें गाने के शुरुआत होते ही लड़की है। अरे बहन के ये लवड़ा ये तो जुगाड़ है भोसड़ी का, लोग लड़कियों की मारते हैं, ये बैजो लड़की से मरवाता है भोसड़ी चोद का ये। दीपक भाई मतलब मेरी जो हीरोइन है ना किससे चोदा था भाई मेरे को, मेरी जो हीरोइन इसके पास लंड मत है। फालतू कॉमेडी मत कर, कुछ भी मेरे को भी गैंगस्टर के मेरे गाने आ रहे, कुछ भी बोल रहा है ये चूतिया, ये कॉमेडी कर रहा है। ये तो कब आ रहा गैंगस्टर वाला गाना दीपक भाई? मोहित भाई मैं कह रहा हूँ जिस दिन ये किसी हफ्ती के नीचे फंस गया ना उस दिन कई महीने में उठा गए। मैं भाई आज आपको वादा करता हूँ, गाना आ रहा है ना, सुनो भाई आज मैं आपको ना सुनो दीपक भाई मैं आज आपको वादा करता हूँ, आप जिस दिन मुझे मिलोगे ना और मैं आपको वादा करता हूँ लोग हाथ से गांड देते आप गांड चाह दो बैठोगे। बात है आपसे अगर क्योंकि अगर आप सीधे चल गए ना तो मैं आज आपको वादा करता हूँ चल भी नहीं पाओगे, देख लेना। मैं आपको कह रहा हूँ दीपक फिर हाथों से चलेगा पैरों की जगह, अरे चल भी नहीं पाएगा। आप भैया हाथ से गांड धोते हो ना, ये गांड जा दो बैठेगा देख लेना।
शीशी भरी गुलाल की दीपक भाई, शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दू दीपक, बैठ फिर लड़ पे तुझे घर छोड़ दू। मोहित भाई आप मेरे लाइव पे आया करो कभी कभी, क्योंकि आप अच्छे जोक्स करते हो। शीशी भरी गुलाब की टूटने नहीं दूंगा दीपक भाई, आपकी खड़ी खड़ी लूंगा मैं, झुकने नहीं दूंगा। बारी वर्षी खटन गया सी, खटके ले आंदा गुच्छा, अरे दीपक भाई आपने लोगों में से गाने उराली मारते क्यों नहीं पूछा। दीपक भाई 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 ने कहना रोल जवाब दिया। मोहित भाई फॉलो कर रहा हूँ तुम्हें तो। यू गाड़ी कति ब्रेकर पे रुक जाएगी, और दीपक तना कोड़ा ऐसा करूंगा कि तेरी बेबी भी चुद जाएगी।